फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजी मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ हाइपोथैलेमस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन रिलीज करती है, और हाइपोथैलेमस दोनों एक यूनिट की तरह काम करते हैं। कैसे? पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन रिलीज करती है उसका रिलीज और इनहिबिशन, मतलब उसका सिक्रेट होना उन हॉर्मोन्स का और उन हॉर्मोन्स का रुकना, हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है। सो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ हाइपोथैलेमस का एक रिलेशन पढ़ते हैं। सो फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस का मतलब है कि ये हाइपोथैलेमस के अंडर प्रेजेंट है, अंडर लोकेटेड है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। अब इसका जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर होता है, बहुत ही स्मॉल साइज की होती है, पी साइज की होती है, एक मटर का दाना जितना उतने साइज की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसका जो वेट है वो 0.5 ग्राम होता है, इट मीन्स 500 मिलीग्राम इसका वेट है ओनली। इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, ये है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका का मतलब है कि इन द स्फिनोइड बोन, जो स्फिनोइड बोन प्रेजेंट है बेस ऑफ द स्कल पे। सो ये स्कल है जो हमारे हेड और माउथ को कवर करती है, सो इसको बोलते हैं स्कल। सो स्कल का जो बेस है वहाँ पर स्फिनोइड बोन प्रेजेंट होती है। सो स्फिनोइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन, एक दबा हुआ पार्ट होता है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सो उस डिप्रेशन, दबे हुए पार्ट को बोलते हैं सेला टर्सिका। So, and ये below the hypothalamus present होती है। So, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये है हमारा ब्रेन और ये ब्रेन स्कल के अंदर प्रेजेंट है, एंड ये है हाइपोथैलेमस, उसके नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो इसको मैंने बड़ा करके दिखाया हुआ है। सो ये स्फिनोइड बोन वाला जो रीजन है वहां पर प्रेजेंट है, ये है हाइपोथैलेमस जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट है, एंड ये है पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे। अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में है पिट्यूटरी स्टॉक। पिट्यूटरी स्टॉक या हाइपोफाइजियल स्टॉक भी इसको बोलते हैं। सो ये एक पतली सी थिन डंडी या स्टॉक होती है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ अटैच रहती है। नाउ व्हाट इज हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल रिलेशनशिप। सो जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ एक रिलेशनशिप में काम करता है, एक यूनिटी की तरह काम करता है। कैसे करता है? हालांकि हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तब भी इनमें एक रिलेशनशिप, एक यूनिटी है। कैसे है? क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? बाय सिक्रीटिंग न्यूरोहार्मोन्स। न्यूरोहार्मोन सिक्रीट करता है जिसका अदर नेम है रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। सो हाइपोथैलेमस न्यूरोहार्मोन्स को सिक्रीट करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स के रिलीज को कंट्रोल करते हैं और इनहिबिशन को कंट्रोल करते हैं। सो जो भी हॉर्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे या रिलीज नहीं होंगे, इनहिबिट होंगे, वो हॉर्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, देन वो फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं हॉर्मोन सिक्रीट करने के लिए। इस तरह से हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल रिलेशनशिप बनता है। नाउ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेशनशिप कैसे होता है, कैसे ये आपस में यूनिटी में है? सो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल रिलेशनशिप कैसे है? जो हाइपोथैलेमस है अगर वो रिलीजिंग हॉर्मोन सिक्रेट कर रहा है, रिलीजिंग हॉर्मोन का मतलब है कि हॉर्मोन को रिलीज करने के लिए वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, देन हॉर्मोन रिलीज हो जाते हैं। जब हॉर्मोन रिलीज हो गए इट मीन्स ब्लड में उनका लेवल्स ज़्यादा हो गया, रेज हो गया। अब ब्लड से हॉर्मोन यूज कर लिए जाएंगे, जो सेल्स, टारगेट सेल्स जिनको ज़रूरत है हॉर्मोन्स की वो यूज़ कर लेंगे। जब ब्लड में हॉर्मोन का लेवल ज़्यादा हो गया तो एक इनहिबिशन जाता है हाइपोथैलेमस को, जिसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि अब हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गए, अब इसको बंद कर दो। अब बंद कैसे होंगे? कि जो हाइपोथैलेमस है वो इनहिबिटरी हॉर्मोन्स को रिलीज़ करेगा। इनहिबिटरी हॉर्मोन्स को रिलीज़ करने के बाद जो सिक्रीशन है वो कम या फिर बंद हो जाएगा हॉर्मोन्स का, जिसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब जब हॉर्मोन्स यूज हो गए तो ब्लड में उनका लेवल हॉर्मोन्स का कम हो गया, लो हो गया, उससे क्या होगा? हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन जाएगा कि ब्लड में हॉर्मोन का लेवल कम हो रहा है, फिर
जो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस है दोबारा से रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा ताकि हार्मोन का लेवल बना रहे, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव इसके लिए है ताकि हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा ना हो जाए ब्लड में, इसलिए इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होती है जो कि हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसलिए ताकि बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए हार्मोन का लेवल, जब तक जो एक्शन है कंप्लीट नहीं होता तब तक हार्मोन का लेवल बना रहे, इसलिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म किसके थ्रू होता है, रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू। सो दिस इज हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजर रिलेशनशिप। नाउ पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर आप लोब्स भी कह सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने लोब्स या पार्ट्स होते हैं। सो मेनली इसके टू लोब्स हैं या टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड सेकेंड है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड बीच में इसके एक इंटरमीडिएट लोब प्रेजेंट होता है विच इज नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये जस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी का ही एक पार्ट है। सो उससे ये इंटरमीडिएट लोब बना हुआ है जो दोनों को बेसिकली डिवाइड कर रहा है। सो मेनली हम पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है एडीनो हाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब जो बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बहुत सारे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी और हॉर्मोन्स को कंट्रोल करती है, क्योंकि ये कुछ ऐसे हॉर्मोन सिक्रीट करती है जो कि दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों बहुत ही क्लोज स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका जो ओरिजिन है जहाँ से इनकी ग्रोथ हुई है वो दोनों डिफरेंट है। जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी की ग्रोथ कहाँ से हुई है, अपग्रोथ ऑफ फेरिंजियल एपिथीलियम। सो एंटीरियर पिट्यूटरी एक अपग्रोथ है किसकी, फेरिंग्स के एपिथीलियम टिश्यू की, फेरिंजियल एपिथीलियम की। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो नर्वस टिश्यू की ही डाउन ग्रोथ है। सो इसका जो ओरिजिन है ये मेनली ब्रेन से ही हुआ है, नर्वस टिश्यू की डाउन ग्रोथ है ये। सो इन दोनों का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। अब जो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं, हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी में, वो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल को मैंने HH का सिंबल दिया है। एंड लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से ट्रांसपोर्ट होते हैं वो नर्व फाइबर्स ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक से होते हैं। सो दोनों में ये डिफरेंस है कि ये पोर्टल ब्लड वेसल्स जो HH से निकल रही हैं वहाँ से होती है हॉर्मोन ट्रांसपोर्ट, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हाइपोथैलेमस से हॉर्मोन्स निकले हैं वो नर्व फाइबर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का एंड ये है पोस्टीरियर लोब, एंड दोनों के बीच में है इंटरमीडिएट लोब जो कि वेरी स्मॉल होता है और थिन होता है। नाउ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं। सो एंटीरियर पिट्यूटरी से 5 हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ओनली 2 हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से फर्स्ट हॉर्मोन जो सिक्रीट होता है उसका नाम है ग्रोथ हॉर्मोन। ग्रोथ हॉर्मोन हमारे सेल्स की ग्रोथ और डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, ये थायरॉयड ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। थर्ड है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हॉर्मोन या ACTH, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फोर्थ है प्रोलैक्टिन हॉर्मोन, प्रोलैक्टिन हॉर्मोन जब मदर बर्थ देती है बेबी को, सो जब वो लैक्टेशन करती है ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसमें मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिफ्थ गोनैडोट्रोफिन्स, गोनैडोट्रोफिन्स प्यूबर्टी के बाद जब मेल और फीमेल के सेक्स हॉर्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट होते हैं सो गोनैडोट्रोफिन्स उनको रिलीज करता है। इससे 2 हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फर्स्ट हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग लेबर जब मदर डिलीवर करती है बेबी को सो उसको लेबर का टाइम कहते हैं। सो ड्यूरिंग लेबर यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, प्लस जो मिल्क प्रोड्यूस करता है वो है प्रोलैक्टिन, एंड मिल्क को बाहर निप्पल से रिलीज करवाने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। देन सेकेंड है एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन और इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, ये हॉर्मोन यूरिन की आउटपुट को कम करने में हेल्प करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ फ्रेंड्स अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी समझ में आई सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट।